किसी भी फिल्म का सबसे अहम फैक्टर होता है फिल्म में दिखाई जाने वाली लोकेशंस, जो फिल्म की स्टोरी, उसके किरदार और फिल्म को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आमिर खान की गजनी, जो एक इंडियन लोकल लव स्टोरी प्लस क्राइम थ्रिलर कहानी पर बेस्ड थी, तो इस फिल्म के मोस्ट पार्ट्स को चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई में शूट किया गया था। तो वहीं इसके गाने और थोड़े से शॉट्स साउथ अफ्रीका के केप टाउन और नाम्बिया के डेजर्ट में शूट किए गए थे। और अब बात करें गजनी 2 की शूटिंग लोकेशंस के बारे में, तो इसमें हमें मुंबई तो दिखेगा ही, लेकिन साथ ही लंदन भी नजर आ सकता है, जहां फिल्म की कहानी का पहला हिस्सा शूट हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी भी किसी मेडिकल स्टूडेंट की रिसर्च से शुरू हो सकती है, जो अपनी रिसर्च के लिए मुंबई आ पहुँचती है। तो इस बार सिर्फ गानों में ही नहीं बल्कि कहानी में भी विदेशी लोकेशंस नजर आने वाले हैं। 2008 में आई आमिर खान के गजनी फिल्म के सारे गाने हिट रहे थे। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया था, तो वहीं गानों के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस होने वाला गाना कैसे मुझे तुम मिल गई था, जिसे बेनी दयाल और श्रेया घोषाल ने गाया था। और इस गाने में जो इमोशंस रिप्रेजेंट किए गए थे, वो लोगों के दिलों तक पहुंचे थे। और अब जब फिल्म का पार्ट 2 या रिमेक बन ही रहा है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि कैसे मुझे तुम मिल गई गाने को रिप्राइज किया जाए, क्योंकि ये गाना फिल्म की सोल था और इस मास्टरपीस के बिना पार्ट 2 अधूरा है। और अगर इसका न्यू वर्जन आता है, तो इस बार ये गाना सुपर ट्रेंडी और वायरल होने वाला है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जिससे हर चीज वायरल होती रहती है और लोगों तक पहुंचती रहती है। गजनी एक सुपर इमोशनल मूवी थी, और जब असिन के किरदार की मौत हो जाती है और आमिर का किरदार लॉस्ट हो जाता है, तब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं रोया होगा। और साथ ही आमिर का परफॉर्मेंस और उनकी एक्टिंग टू द पॉइंट थी, जिसने हर इमोशन, लव, सैडनेस, रिवेंज और एग्रेशन को अच्छे से दिखाया। और आज तक की मोस्ट इमोशनल फिल्म्स, जिसमें आमिर की ही 3 Idiots और तारे जमीन पर, रणबीर कपूर की तमाशा, आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, सलमान खान की बजरंगी भाईजान, शाहरुख खान की चक दे इंडिया और अमिताभ बच्चन की आनंद का नाम शामिल है, उसमें गजनी भी है। तो दोस्तों, आपकी कौन सी फेवरेट इमोशनल फिल्म है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।